आप देख रहे हैं अनोखी आवाज न्यूज, स्वागत है आपका। आइए रुख कर लेते हैं नरसिंहपुर का, जहां अध्यापक संघर्ष समिति द्वारा प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन कर रैली निकाली गई। रैली के साथ साथ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन का मेन उद्देश्य रहा लंबित मांगों के निराकरण हेतु एक ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि अध्यापक संघर्ष समिति ने सरकार को चेताया भी, अगर आप हमारी मांगों पर विचार नहीं करते तो हम भी 2018 के चुनाव में आपको भूल जाएंगे। इसी तरह की तमाम मुद्दे, तमाम तरह की चेतावनी देते हुए अध्यापक संघर्ष समिति का क्या कहना है, देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। 1994 वाला शिक्षा विभाग में सम्मेलन हमको चाहिए, और हमारी मतलब सबसे पहली मांग यही है। दूसरी मांग ये है कि अनुकंपा नियुक्ति में कुछ बदलाव किया जाए, जिससे हमारे उन अध्यापकों के परिवारों के साथ न्याय हो सके जिनके बच्चे आज, जिसमें हमारी मुख्य मांगे शिक्षा विभाग में सम्मिलित, और 2013 से छठवां वेतनमान और 2016 से हमें सातवां वेतनमान दिया जाएगा। इस संबंध में हमने आज अध्यापकों का कार्यक्रम रखा। अब इसके बाद कुछ रैली निकाल के ज्ञापन सौंपने की कोई, इसके बाद हम लोग यहाँ से अपनी अपनी गाड़ियों से कलेक्ट्रेट जाएंगे और मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। अभी आप सब एक संगठन के पदाधिकारी हैं, नरसिंहपुर में किस तरह क्या आपका प्रयोजन रहा? आज नरसिंहपुर में जो है अध्यापक संघर्ष समिति के तरफ से जो है एक संगोष्ठी सम्मेलन रखा गया था, जिसका विषय था कि विसंगति हटाओ शिक्षा बचाओ। आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, और साथ ही साथ समान काम समान वेतन और एक समान विभाग की मांग सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं छत्तीसगढ़ में भी चल रही है। विगत दिनों हमने छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, और आंदोलन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त 9 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की है और बहुत जल्दी इसकी घोषणा करने की बात कही है। और मध्य प्रदेश में आज हम यहाँ के शिक्षा कर्मियों के साथ साथ यहाँ की समस्याओं से रूबरू हुए। यहाँ की भी सेम वही मांग है जो छत्तीसगढ़ की है, समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए, एक विभाग होना चाहिए। प्रदेश के शिक्षक जो हैं, साथ ही साथ अध्यापक है, उनका शिक्षा विभाग में शासकीकरण करते हुए सविलियन किया जाए। इस विषय को लेकर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में चूंकि एक साथ हमारा जन्म हुआ है 1998 में, हमारी मांगे एक है, समस्याएं एक हैं, और आंदोलन के तरीके भी एक हैं, तो हम एक ज्वाइंट जो है आंदोलन के की रणनीति बना रहे हैं कि एक साथ आंदोलन करें लगभग मध्य प्रदेश के 3 लाख लोग और छत्तीसगढ़ के 2 लाख लोग, ताकि हम एक ऐसा संदेश दें कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों एक हो गए हैं और एक साथ आंदोलन करेंगे। यदि सरकार हमारे हित में फैसला लेती है तो निश्चित रूप से दोनों छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दोनों जगहों में एक साथ सकारात्मक परिणाम भविष्य में इनको मिलेगा, अन्यथा 2018 जो मिशन इनका चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है। हमारा सीधा चैलेंज है, यदि आपने वादा किया था, डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी छत्तीसगढ़ में वादा किया था, शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश में वादा किया था कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम शिक्षक के साथ साथ अध्यापकों का जो है शिक्षा विभाग में सविलियन करेंगे। हमारा वादा निभाव का पखवाड़ा चल रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों, तो ज्वाइंट मोर्चा जो है हमारे उसके तहत भविष्य में आंदोलन की रणनीति हमारी बन रही है।